दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया है। यह इंडेक्स सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्रों में सुधार और अर्थव्यवस्थाओं में समान रूप से अवसरों को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें स्वास्थ्य से लेकर शैक्षिक उपलब्धियों और आय तक के कई परिणामों को मापा जाता है। तो आइए देखते हैं सामाजिक गतिशीलता क्या है। सामाजिक गतिशीलता को कोई व्यक्ति अपने माता पिता के संबंधों में अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों से समझ सकता है। ठोस अर्थ में यह बच्चे के लिए अपने माता पिता की तुलना में बेहतर जीवन का अनुभव करने की क्षमता है। दूसरी ओर सापेक्ष सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के परिणामों के प्रभाव का आकलन है। तो चलिए देशों की रैंकिंग देखते हैं। इस सूची में डेनमार्क पहले जबकि आइवरी कोस्ट अंतिम पायदान पर है। 82 देशों की सूची में भारत 76वें स्थान पर है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। वहीं G7 अर्थव्यवस्थाओं में जर्मनी 11वें, फ्रांस 12वें, कनाडा 14वें, जापान 15वें, यूनाइटेड किंगडम 21वें, संयुक्त राज्य अमेरिका 27वें और इटली 34वें स्थान पर है। दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं एवं ब्रिक्स समूह में रूस 39वें, चीन 45वें, ब्राजील 60वें, भारत 76वें और दक्षिण अफ्रीका 77वें स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु। इंडेक्स के अनुसार अधिकांश देशों को सामाजिक गतिशीलता के गैप को कम करने की जरूरत है। इंडेक्स में 82 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को सामाजिक गतिशीलता के प्रदर्शन के 5 मौलिक आधारों को 10 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा जिसमें पहुंच, गुणवत्ता और समानता और आजीवन सीखना शामिल है, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है कार्य जिसमें अवसर, मजदूरी और परिस्थितियां शामिल हैं, पांचवा है संरक्षण और संस्थाएं जिसमें सामाजिक संरक्षण और समावेशी संस्थान शामिल हैं। अधिकांश देशों का 4 क्षेत्रों मसलन उचित मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, काम करने की स्थिति और आजीवन सीखना में बेहतर प्रदर्शन रहा। भारत के आजीवन सीखने और कामकाजी परिस्थितियों के क्षेत्र में सुधार हुआ है, वहीं सामाजिक सुरक्षा और उचित मजदूरी वितरण के क्षेत्र में सुधार करना अपेक्षित है। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,